आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जिसको सभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं। अभी हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी जियो फाइनेंस के स्टॉक के अंदर आ चुकी है, लेकिन हाई बनाने के बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट आई है। अब कौन से लेवल है जहां पे आपको जियो फाइनेंस के स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म को कहां पे सपोर्ट बन रहा है और इस समय कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये गिरावट कहां पे रुक सकती है, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं, जियो फाइनेंस के चार्ट की एनालिसिस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, उससे पहले डिस्क्लेमर है, इस वीडियो के अंदर हम जियो फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एजुकेशन की मकसद से है, खरीदारी बिकवाली करने की मेरी कोई राय नहीं है। जो भी कुछ आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं जियो के स्टॉक का आपको भाव और वीडियो की डेट बताना चाहूंगा। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये 13 मई 2024 को बनाया जा रहा है, और आज के दिन अगर हम जियो फाइनेंस के स्टॉक के भाव की बात करते हैं तो 341 रुपए आज का भाव है, और लगभग 2% की तेजी हमको, सॉरी तेजी नहीं है, गिरावट हमको जियो फाइनेंस के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अब चलते हैं हम चार्ट पर। अब देखें दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये जियो फाइनेंस का मेरे पास में डे चार्ट है, इस डे चार्ट के अंदर देखेंगे ना तो लगभग जो हाई लगा के आया था जियो फाइनेंस, वो हाई अपने पास में 395 के आसपास का लगा के आया था। इस लेवल पर 395 रुपए का हाई है, यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और उसके बनने के बाद की ये गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा ढंग से देखेंगे ना तो यहाँ पे आप इस तरह से आपको एक राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न जियो फाइनेंस के स्टॉक के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मैं भी बाई करना चाहता हूँ, मैं भी एक अच्छे लेवल का वेट कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे जियो फाइनेंस का स्टॉक आता है तो निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को हम बाइंग करेंगे। तो इस समय भाव 341 का चल रहा है। अब हम यहाँ पर अगर नजदीकी सपोर्ट की बात करते हैं तो कौन सा सपोर्ट है, देखिए 341 रुपए स्टॉक का भाव चल रहा है, नजदीकी जो सपोर्ट है वो 330 से लेके मुझे 335 रुपए का नजर आता है, जहाँ पे मैंने ये येलो कलर का एक जोन बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, एक बार रिटेस्ट किया, दोबारा फिर स्टॉक गया, दो बार रिटेस्ट कर चुका है। और यहाँ पे देखे तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे अपने पास में हैमर बनी है, और आज के दिन की भी कैंडल लगभग इसी के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आई है हमको। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अपना जो आज का लो है 335 का, तो मैंने अभी राउंड फिगर पे 330 से लेकर 335 का आपको लेवल बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। अगर यहाँ से हमको लग रहा है कि ये गिरावट रुक चुकी है, बॉटम बनता हुआ नजर आता है जियो फाइनेंस के स्टॉक के अंदर, तो फिर यहाँ पे आप कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित तौर पे बाई कर सकते हो। जो भी आपको निवेश करना है वो पूरी कैपिटल आपको एक साथ बिल्कुल भी नहीं लगानी है, टुकड़े टुकड़े में निवेश करना है। तो यहाँ से अगर बॉटम बनता है तो आप कुछ स्टॉक जियो फाइनेंस के यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अगर 330 या 335 के लेवल यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो जो जियो फाइनेंस का अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो सपोर्ट का लेवल है वो मुझे यहाँ पर 305 रुपए के आसपास बन रहा है, तो मैं उसको भी यहाँ पे बना लेता हूँ। तो वो अपना ये दूसरा जोन आ चुका है। तो यह मैंने सपोर्ट का लेवल क्यों समझा है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में एक गैप अप कैंडल बनी है, गैप अप के बाद में दोबारा से देखो तो इसी का सपोर्ट लेके ये स्टॉक अपना ऊपर की तरफ निकल चुका था। तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह का चार्ट यहाँ पे जियो फाइनेंस का बन रहा है, तो ये जो 305 का जो लेवल है ना, वो स्टॉक यहाँ पर आके बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा 305 के लेवल के आसपास। अगर 305 के लेवल के आसपास स्टॉक रुकता है, बॉटम बनता है, तो वहां पे आपको स्टॉक को बाई करना है। और अभी जैसे मैंने आपको 335-40 का बताया था, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता है तो भाई जबरदस्ती एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे दो हमारे पास महत्वपूर्ण सपोर्ट के लेवल है, 335 का, 335 ब्रेक होने के बाद 305 रुपए का। अब यहाँ पर इनो से भी तगड़ा सपोर्ट का लेवल है, वहां तक शायद जियो फाइनेंस का स्टॉक नहीं गिरेगा। अगर उस लेवल तक आ जाता है तो सोने पे सुहागा साबित हो जाएगा, और हमको उस लेवल पे इस स्टॉक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वहां पर बाई करना है। तो वो लेवल मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो वो लेवल अपने पास में वो है 265 रुपए का, 265 रुपए का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हो एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, एक बड़ी बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट था ये रिटेस्ट हो चुका है ना, ये लेवल था 265 रुपए का। तो यहाँ पे आपको अब इस चार्ट के अंदर आपको सपोर्ट नजर आ रहे होंगे स्पष्ट तौर पर, 260 से लेके जो 265 रुपए का है ना, वो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। और अगर कोई
क्रैश आ जाता है मार्केट पे, तो मुझे लगता नहीं कि 260-65 से रुपए से नीचे जियो फाइनेंस का स्टॉक जाने वाला है। इस तरह से आपको यहाँ पर हमने इसके चार्ट की एनालिसिस करी है, आपको तीन सपोर्ट के लेवल मिल चुके हैं। पहले वाला ये सपोर्ट का लेवल है 335 रुपए के आसपास का, दूसरे वाला ये सपोर्ट का लेवल है 305 रुपए का, उसके बाद हमने ये वाला बनाया है ये अपने पास में 265 रुपए का। इस तरह से आपको अब पता चल गया होगा कि जियो फाइनेंस के स्टॉक के अंदर सपोर्ट कहाँ पे है, ये जो गिरावट आ रही है ये कहाँ पे रुकती हुई नजर आ सकती है, आपको इस स्टॉक के अंदर कहाँ पे निवेश करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो चार्ट की एनालिसिस करी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं।